डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, और आज के लेक्चर में भी हम लोग कुछ आगे चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। मे बी पॉसिबल कि आज हमारा लास्ट लेक्चर हो। आइए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना एम एस वर्ड 2016। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मैं लिखने जा रहा हूँ कि आज जो हम सबसे पहले चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो है मेल मर्जिंग। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, लेकिन ये तकरीबन जगहों पे नहीं पढ़ाई जाती। वजह ये कि इसका ताल्लुक जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी से होता है, या ये चीज़ जो है वो मेल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। बहुत कम इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है। तो बहरहाल मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता दूं कि ये बेसिकली है क्या चीज़। तो मैं एक न्यू विंडो ओपन करता हूँ। ये न्यू विंडो मैंने ओपन की। सपोज़ के मैं एक सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, तो पहले तो मैं अपने पेज का लेआउट चेंज कर देता हूँ। सर्टिफिकेट का जो लेआउट होता है वो आमतौर पर वर्टिकल नहीं होता है, बल्कि वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो मैं लेआउट चेंज करता हूँ, इसका ओरिएंटेशन में जाता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ लैंडस्केप, और इसके व्यू को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा। व्यू पर आता हूँ मैं, इसके जूम को कर देता हूँ मैं 75%। तो ये मेरा जो है वो जूम शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। ओके, तो अब ये मेरा एक सर्टिफिकेट फॉर्म में बन गया, और अब मैं यहाँ पे कुछ डाटा इंसर्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ कंट्रोल बी करके, बल्कि यहां से देखता हूं, टाइटल यूज करता हूं, कंट्रोल ई किया मैंने इसको सेंटर में किया, और बोल्ड कर देता हूं मैं इसको, और लिखता हूं यहां पे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा देखिए, ये अगर किसी भी वर्ड के नीचे रेड लाइन आ जाए, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। रेड लाइन का मतलब है कि वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। अब आप इस स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। आपने देखा कि एन गलत है, सर्टिफिकेट में एन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर एन को आपने मिटा दिया। सर फिर भी गलत है, सर सी ई आर टी आई, सी ई आर टी आई एफ आई सी ए टी, ये रेड लाइन खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि अब इसमें कोई एरर नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ये बहुत बड़ा हो जाएगा सर। ये हो गया हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको मैं इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद मैं और इंटर करता हूँ, और सेंटर में आता हूँ, इसकी अलाइनमेंट की मैंने सेंटर, और अब मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ क्या, अब मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ, सपोज कि मैं यूज़ करने जा रहा हूँ हेडिंग वन, इसको भी मैंने किया सेंटर, और मैं लिखता हूँ दिस इज टू सर्टिफाई दैट, सर्टिफाई नहीं होता, सर्टिफाई होता है। ओके, इसके कलर को कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा क्या पूरा ही ब्लैक कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा करते हैं हम लोग बड़ा, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, ठीक है। अच्छा, नीचे मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ। एक लाइन में क्यों छोड़ रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, वो लाइन मैंने छोड़ दी, और उस लाइन पर जो मैं इंसर्ट करने जाऊँगा वो मैं एक टेक्स्ट इंसर्ट करूँगा जो कि बोल्ड में होगा, और उसका जो कलर होगा वो ब्लैक होगा, उसका जो साइज़ होना चाहिए वो 20 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एंटर दबाया और इसको कॉपी किया, लास्ट में लिखा, और इसकी अलाइनमेंट को मैंने किया सेंटर। अच्छा, ये क्या था मेरे पास, ये हेडिंग वन था, तो इसको भी मैंने किया हेडिंग वन, इसको भी मैं कर देता हूँ हेडिंग वन, सेंटर में किया, कलर इसका किया मैंने ब्लैक, ऊपर वाले का टेक्स्ट का साइज़ क्या था, 28, इसका भी साइज़ कर देता हूँ मैं 28, 28, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर हैज़ कम्प्लीटेड, हैज़ को थोड़ा ऐड छोटा कर देते हैं, हैज़ कम्प्लीटेड दी, नीचे एक लाइन छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ वो मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। कि इसको मैं यहाँ पे आता हूँ, एक मिनट, कुछ चेंजेस कर दूँ मैं यहाँ पे, टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, वो हम बाद में भी कर सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। और यहाँ पर अभी मैं कर देता हूँ इसको बोल्ड ब्लैक रूही 20, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं इंटर कर रहा हूँ, और फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसे फिर यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और इसके टेक्स्ट को मैंने किया क्या था, ये हेडिंग वन था, बोल्ड किया, नहीं बोल्ड नहीं था, ये बड़ा था, ये सेंटर किया इसको मैंने, इसका साइज़ करा 28, और इसका साइज़ भी हम कर देते हैं 28। दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट हैज़ कम्प्लीटेड दी कोर्स विद जो भी ग्रेड होगा, मैं वहाँ यहाँ पर ग्रेड यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंटर दबाया, फिर इंटर दबाया, और फिर मैं यहाँ पर हेडिंग वन यूज़ कर रहा हूँ, सेंट्रलाइज किया मैंने इसको, इन दी मंथ ऑफ, ठीक है, इसको भी मैंने किया बोल्ड नहीं करना है इसको मुझे, इसको मैंने ब्लैक कलर किया, और इसके साइज़ को मैंने कर दिया 28, ठीक है, ये भी 28 था, और इसको 28 करना है, सॉरी, ये इसको किया मैंने 28, ठीक है।
अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें यूज़ की हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो अपने जो भी मेरा एड्रेस वगैरह है वो यहाँ पर मैं एड्रेस यूज़ कर लेता हूँ। सपोज़ कि मेरा कोई एड्रेस नहीं है, www.facebook.com/aforaccounting.net/, फिर www.youtube.com/aforaccounting, फिर www.instagram.com। आप भी परेशान होंगे सर, क्यों बिला वजह मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या करें भाई, काम ही यही है। www.twitter.com/aforaccounting3, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो ये हमने अपना कुछ डाटा यहाँ पर इंसर्ट किया, ठीक है, हम कोई सर्टिफिकेट बना रहे हैं। अच्छा, सर्टिफिकेट में फॉर एग्जांपल सर, सर्टिफिकेट के बॉर्डर भी तो होते हैं, बॉर्डर भी तो होता है सर्टिफिकेट में, आपने तो कोई बॉर्डर ही नहीं बनाया, अच्छे नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर डिज़ाइन है, डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर पर आइए, पेज बॉर्डर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि भाई बॉर्डर कैसे चाहिए आपको, पेज बॉर्डर चाहिए तो पेज बॉर्डर पर क्लिक कीजिएगा। अब पेज बॉर्डर कैसे चाहिए, बॉक्स, बॉक्स का मतलब ये कि चारों तरफ इसके बॉर्डर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि चारों तरफ नहीं, मुझे तीन तरफ चाहिए, यानी ऊपर नहीं चाहिए, तो ऊपर से अनचेक कर दीजिए, ऊपर चेक लगाएंगे तो ऊपर भी आएगा, ऊपर से अनचेक कर देंगे तो देखिए ऊपर नहीं आएगा, ये प्रीव्यू देखते रहिएगा, ऊपर भी लगा दीजिए। नीचे नहीं चाहिए तो नीचे से हटा दीजिए, नीचे भी चाहिए, लेफ्ट पे नहीं चाहिए तो लेफ्ट से हटा दीजिए, राइट पे नहीं चाहिए तो राइट से हटा दीजिए, जहाँ से आपको नहीं चाहिए वहाँ से हटा दीजिए। इसके अलावा बॉर्डर का जो डिज़ाइन है यानी जो स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, आप यहाँ से स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको लाइन यूज़ नहीं करनी, कोई आर्ट यूज़ करना है जो कि बहुत ही घटिया है बहरहाल, लेकिन आप यहाँ से भी कोई बच्चों वाला आर्ट यूज़ कर सकते हैं जो कि मुझे तो कम से कम पसंद नहीं है। बहरहाल, आप जो अगर बच्चों का सर्टिफिकेट बनाना है तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो यहाँ से अगर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। सपोज़ कि हम जो है वो ये वाला यूज़ कर लेते हैं, और मैं इस कलर इसका चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसके कलर पर गया, कलर मैं इसे कर देता हूँ ये वाला ग्रीन। और साइज़ कह रहा है आपका साइज़ कितना होना चाहिए, भाई आप साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इसके साइज़ को एडजस्ट कर दिया, कलर इसका चेंज नहीं हुआ, कलर आप इसका कर दीजिए पर्पल, ये बिल्कुल लाइट सा है, क्या नाम है, बॉर्डर बहुत थिक है, पतला है तो आपको नज़र नहीं आ रहा, इसके साइज़ को अगर मैं मोटा कर दूँ तो शायद आपको नज़र आ जाएगा, हाँ अब नज़र आ रहा है। तो ये हमने बॉर्डर के साइज़ को, बॉर्डर को यहाँ पे दे दिया, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर के आप जो है वो स्टाइल, अच्छा स्टाइल तो हमने चेंज ही नहीं किया, स्टाइल हम इसका ये वाला देने वाले थे, ठीक है जी, तो गौर कीजिएगा तो आपको स्टाइल यहाँ पे बहुत मामूली सा नज़र आएगा। तो ये हमने सर्टिफिकेट यहाँ पर एक इंसर्ट किया, ठीक है। अच्छा, बीच में मैंने एक यहाँ पर एक लाइन छोड़ी है, एक यहाँ पर लाइन छोड़ी है, विद के आगे मैंने जगह छोड़ी है, और इन द मंथ ऑफ के आगे मैंने जो है वो एक जगह छोड़ी है। अब मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं मैं एक दफ़ा सर्टिफिकेट बनाऊँ, और बाकी तमाम को या तो मैं उनको मेल कर दूँ या फिर मैं उसके प्रिंट निकाल लूँ। अच्छा देखिए, मैं आपको मेल इस वक्त नहीं समझा सकता, वजह यह है कि मेरे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो मैं मजबूर हूँ कि मैं आपको मेल नहीं बता सकता, मैं आपको प्रिंट बता सकता हूँ, तो प्रिंट को समझ लीजिएगा, मेल आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले मैं आपको एक फाइल दिखा दूं जो कि मैंने अपने पास ओपन की हुई है, ये है मेरे पास एक डाटा की फाइल, एक्सेल की फाइल है, आप एक्सेल पे फाइल बना सकते हैं जब आप एक्सेल सीख लेंगे, वरना तो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। कभी भी आप एक्सेल ओपन कीजिए, एक्सेल के ऊपर आपने यहाँ पर देखिए नेम, फादर नेम, कोर्स ग्रेड और कंप्लीशन डेट मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखी हुई है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया ताकि आपको पता चले कि ये मेरे लिए क्या है, हेडिंग है। यहाँ पर मैंने नेम लिखे हैं या उनके फादर नेम लिखे हैं या मैंने उनके कोर्सेज के नाम लिखे हैं, जिस ग्रेड से वो पास हुए यहाँ पर वो ग्रेड लिखे हैं, और किस डेट पर उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया यहाँ पर वो डेट लिखी हुई है, ठीक है। तो मेरे पास तकरीबन कितने स्टूडेंट्स मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 6 स्टूडेंट्स मौजूद है, ये उनके फादर नेम, ये उनके डिफरेंट कोर्सेज हैं, ये उनके ग्रेड्स हैं, और ये उनकी डेट ऑफ कंप्लीशन है, ठीक है जी। तो इसको मैं यहाँ पर मिनिमाइज कर देता हूँ, यानी मेरे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, 6 स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये होगा सर मुझे 6 बार अपने सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे, और अगर मेरे पास जैसे कि इस वक्त मेरे पास आपके कोर्स में जो मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ, इस वक्त मेरे पास 400 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, 400 प्लस हैं, तो अगर मैं 400 स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट बनाऊँ तो क्या मुझे 400 टाइम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, नहीं। इसके लिए कोई शॉर्ट टूल होना चाहिए कि सर हम एक बार सर्टिफिकेट बनाए और बाकी बार वो ऑटोमेटिकली चेंज करके उसको क्या करता रहे, प्रिंट करता रहे। तो भाई इसके लिए तरीकेकार क्या है, आप जाइए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मेलिंग पर, पहले अपना अपने सर्टिफिकेट पूरा डिज़ाइन कर लेना, डिज़ाइन करने के बाद जाइए आप यहाँ पर मेलिंग पर, मेलिंग पर आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट मेल मर्जिंग, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन सबको छोड़कर आप डायरेक्ट कहाँ पर आ जाइए, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजिट पर, इस पर क्लिक कीजिए आप।
इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हम क्या बना रहे हैं, अभी हम एक लेटर की टाइप बना रहे हैं, अभी हम ईमेल नहीं कर रहे हैं, अभी हम एनवलप नहीं बना रहे, अभी हम लेबल्स नहीं बना रहे, अभी हम डायरेक्टरी नहीं बना रहे, कुछ नहीं बना रहे, अभी हम सिर्फ क्या बना रहे हैं, लेटर। ये एक लेटर की एक टाइप है, तो आपने लेटर पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, आप इस पर क्लिक कीजिए। 6 स्टेप्स हैं इसके, अभी हम कौन से स्टेप पर हैं, स्टेप नंबर 1 पे, इस पर क्लिक किया आपने। अब वो कह रहा है यूज दी करंट डॉक्यूमेंट, क्या आपको इसी डॉक्यूमेंट में चेंजिंग करनी है, यानी इसी डॉक्यूमेंट को आपने यूज करना है। मैंने बोला हाँ जी मुझे इसी डॉक्यूमेंट को यूज करना है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपेंट्स। अब वो कह रहा है कि भाई आप ये बताइए कि इसमें जो डाटा आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो डाटा आप कहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए 2 सोर्सेज हैं, या तो आपके पास एक्सेल पे वो डाटा होना चाहिए, या आपके पास वो डाटा आउटलुक पे, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे वो डाटा होना चाहिए। आउटलुक पे डाटा अगर आपके पास मेंटेन है तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप एक्सेल पे उसको मेंटेन करके जो वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने एक्सेल पे डाटा बनाया हुआ, ये मेरे पास एक्सेल पे डाटा मौजूद है, तो मैं इसी डाटा को यूज़ करने वाला हूँ। मैंने इसको मिनिमाइज़ किया, यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर लिखा है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इस पर क्लिक कीजिए। ब्राउज पे, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है भाई कहाँ से आपको डाटा लेना है। मैंने कहा डेस्कटॉप पे जाइए, डेस्कटॉप पे एक फाइल होगी डाटा के नाम से, उसे पिक कीजिए। उसे पिक किया और उसे कर दीजिए ओपन। जैसे आप ओपन करेंगे वो कह रहा है कि उसमें टोटल 1 शीट है। मैंने बोला ओके एक शीट को लेकर आ जाओ, आपने कहा ओके। अब जैसे आप उसे ओके करते हैं उसके अंदर जितना भी डाटा मौजूद है वो पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर आपको प्रेजेंट कर देगा। उसके अंदर क्या डाटा मौजूद है, उसके अंदर नेम मौजूद है, फादर नेम मौजूद है, कोर्स नेम मौजूद है, उसके अंदर ग्रेड है, और उसके अंदर कंप्लीशन डेट है, ये उसके अंदर डाटा मौजूद है। अब फॉर एग्जाम्पल के इस वक्त मेरे पास कितने स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6। सपोज के मेरे पास 5 स्टूडेंट जो है वो सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई हुए हैं और 1 स्टूडेंट सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल समीर, यानी मैं सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं फेल हो गया। ये समझे इमरान, इसका ग्रेड सी है सर, ये क्वालिफाइड सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई नहीं करता। अगर ये क्वालिफाई नहीं करता तो इसको यहां से क्या कर दीजिए, अनचेक कर दीजिए। जिसको आपको ये सर्टिफिकेट जिसका प्रिंट नहीं करना उसको अनचेक कर दीजिए, और अगर आपको सबका प्रिंट करना तो सबको क्या कर दीजिए, चेक कर दीजिए। यहां से आप डायरेक्ट इसे चेक कर दीजिए, सबको चेक करना है यहां से डायरेक्ट चेक कर दीजिए। इसके बाद मैंने फिलहाल मैं सबको सेंड करना चाहता हूं, उसके बाद मैंने किया यहां पर ओके। अब ओके करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट राइट योर लेटर, इस पर क्लिक किया। हमारा लेटर पहले से ही लिखा हुआ है, हमें लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा लेटर पहले से लिखा हुआ है। इसके बाद क्या कीजिए, नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर, प्रीव्यू योर लेटर पर जाइए। अब प्रीव्यू लेटर पर हमारे पास अभी कुछ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमने कोई डाटा इंसर्ट नहीं किया। यहाँ पर आइएगा, दिस इज टू सर्टिफाइड एट के नीचे यहाँ पर आपको लिखना है इंसर्ट फील्ड मर्ज। इसमें यहाँ पे आपने क्या लिखना था, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, आप खुद सोचिए। दिस इज टू सर्टिफाई डैट, मैं ये सर्टिफाई करता हूँ, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, नेम और फादर नेम। तो यहाँ पर जाइए इंसर्ट फील्ड मर्ज, यहाँ पे लिखिए आप नेम, ठीक है। अच्छा उसके बाद, अच्छा मैं आपको ये थोड़ा सा एक स्टेप पीछे ला कर दिखाऊँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब आप चौथे स्टेप पर हो तो चौथे स्टेप पर बल्कि आप ये काम कर सकते हैं, वैसे आप 5वें भी कर सकते हैं, 4थे पे भी कर सकते हैं, जहाँ पर कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4थे पे कर लें तो ताकि आपको समझाने में आसानी हो। यहाँ पर आइए आप, यहाँ पे लिखे आप इंसर्ट फील्ड मर्ज में, आप यहाँ पर नेम लिखना चाहते हैं, नेम लिखा, स्पेस एक बार दबाइएगा, स्पेस दबाने के बाद यहाँ पर आइए इंसर्ट मर्ज फील्ड पर, और क्या लिखना चाहते हैं आप इसी लाइन में फादर नेम भी लिखना चाहते हैं। अच्छा सर मैं इसे जो है वो सेंटर में लिखना चाहता हूँ, तो इस पूरे को सिलेक्ट करके आप क्या कर दीजिए, इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दीजिए। सर मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, तो आप इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, 36 कर, नहीं 48 कर देते हैं इसका फॉन्ट, ये आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, ठीक है जी, ये आपने यहाँ पर किया। अच्छा हैज़ कम्प्लीटेड दी कोर्स, यहाँ पर हम कोर्स का नाम लिखना चाहते हैं, तो वापस आइए आप अपने मेल मर्ज पर, मेल मर्ज पर हम वापस आ जाते हैं, कहाँ गए भाई हम, मेल मर्ज पे इंसर्ट फील्ड मर्ज। अब यहाँ पर क्या लिखना चाहता हूँ मैं, अब मैं यहाँ पर कोर्स का नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा कोर्स का नाम, सॉरी मैं नीचे आ गया, यहाँ पर लिखना है कोर्स का नाम, तो यहाँ पर आ गया कोर्स का नाम। और सर इसको भी थोड़ा सा सेंटर कर दीजिए, तो हम आ गए सेंटर पे, ये क्या सेंटर अलाइन, इसका साइज इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए 48, इसको भी हमने कर दिया 48। सर ये बाहर जाता जा रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बाहर चला जाए, दुनिया से बाहर। तो हम ऊपर वाले को छोटा कर देते हैं जिसका काम ज़्यादा नहीं है, इसका 20 कर दिया हमने, और इसको भी 20 कर देते हैं हम, और इसको भी 20 कर देते हैं हम, और इसको भी 20 कर देते हैं। वैसे अगर ये 20 भी बहुत बड़ा, जब आप इसे प्रिंट करेंगे ना ये बहुत बड़ा चला जाएगा। यहाँ पे कोर्स का नाम लिखते हैं, ठीक है, विद, अच्छा यहाँ पर हम ग्रेड लिखना चाहते हैं, तो दोबारा आइएगा मेलिंग पर, विद के आगे आप ग्रेड लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपने लिखा ग्रेड, ग्रेड को सर थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, तो हमने आप इसे ग्रेड को सिलेक्ट किया, बोल्ड किया। यहाँ पर भी आप वही टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं,
टेक्स्ट कौन सा था हमारे पास जो आपने सब ऊपर यूज़ किया है, ये वाला यूज़ किया है, और यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ का यूज़ करना चाहते हैं हम, यहाँ पर भी हम 48 यूज़ करना चाहते हैं। इन द मंथ ऑफ, किस महीने में किया, आप यहाँ पर वो मंथ यूज़ करना चाहते हैं। दोबारा मेलिंग पर जाइए, मेलिंग पर जाने के बाद आप यहाँ पर मेल की जो कंप्लीशन डेट है वो डाल दीजिए। आपने यहाँ पर कंप्लीशन डेट डाली, इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको भी कर दीजिए बोल्ड, और इसको भी सेलेक्ट कर दीजिए ये वाला फॉन्ट, और इसका साइज़ हम कर देते हैं 28, इस पर ज़्यादा बड़ा डेट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखिए अब वो नीचे चला गया, ये जो एड्रेस था इसको वापस टीप पर ले आइए मिटाकर, तो ये वापस ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये अब जब आप सर्टिफिकेट प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से होगा, दिस इज सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज टू सर्टिफाई डेट, यहाँ पर नेम और फादर नेम आएगा, हैज कंप्लीटेड द, यहाँ पर कोर्स का नाम आएगा, विद ग्रेड, यहाँ पर ग्रेड आएगा, और इन द मंथ ऑफ, जिस महीने में वो कंप्लीशन हुई होगी वो कंप्लीशन डेट यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से उनका सर्टिफिकेट प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट पर जाते हैं, नेक्स्ट पर जाने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्या आ रहा है, इमरान खान आ रहा है, सर्टिफिकेट पे जो नेम आ रहा है वो कह रहा है इमरान खान हैज़ कंप्लीटेड दी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद, अच्छा यहाँ पर कलर जो हमने कलर चेंज नहीं किया था, कलर चेंज करना हम भूल गए थे, चेंज कर देते हैं कलर को, हम कर देते हैं ब्लैक, तो यहाँ पर हमने कलर भी इसका कर दिया ब्लैक, विद सी ग्रेड, और डेट क्या आ गई 27 दिसंबर 2020 की डेट यहाँ पर आ गई। अच्छा सर, ये तो एक हुआ, बाकी के क्या होगा, अब बाकी कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, रिसिपेंट नंबर 6, मैं पीछे जाऊँगा, यहाँ पर क्या आ गया, हम्माद हैदर, यहाँ पर अब ये आपको पहले चेंज करना था ब्लैक कलर, अब ये सब पर ये कलर आता रहेगा, बहरहाल मैं चेंज करना भूल गया था। इसके बाद मैं पीछे करता हूँ, मंसूर शहजाद ग्राफिक्स डिजाइनिंग बी ग्रेड, 25 दिसंबर को इनका कोर्स कंप्लीट हुआ। इसके बाद फुरकान खान एमएस ऑफिस 2016 ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड के साथ इनका कोर्स कंप्लीट हुआ, और डेट क्या थी इनकी 20 दिसंबर 2020। इसी तरीके से जो सेकंड रिसिपेंट थे वो क्या थे, उमर हनीफ एमएस ऑफिस 2016 का कोर्स कंप्लीट किया, ए ग्रेड के साथ कंप्लीट किया, और किस डेट पर कंप्लीट किया, 13 दिसंबर 2020। और लास्ट है समीर हुसैन एमएस ऑफिस का कोर्स कंप्लीट किया, ए ग्रेड के साथ कंप्लीट किया, और 12 दिसंबर को कंप्लीट किया। ये आपके पास हो गए स्टेप्स कंप्लीट, यानी अब आपके पास कितने सर्टिफिकेट बन गए, सर्टिफिकेट समीर हुसैन का, सर्टिफिकेट 2 उमर हनीफ का, सर्टिफिकेट 3 फुरकान खान का, सर्टिफिकेट 4 मंसूर शहजाद ग्राफिक्स डिजाइनिंग का, सर्टिफिकेट 5 हम्माद हैदर वेब डिजाइनिंग का, सर्टिफिकेट 6 इमरान खान का कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का। तो जो डाटा आपने यहाँ पर अपना सेव करके रखा हुआ होगा, जितने स्टूडेंट्स का डाटा होगा वो तमाम डाटा आपका यहाँ पर पुट हो सकता है। इसके बाद क्या कीजिए, नेक्स्ट टू कंप्लीट द मर्ज, नेक्स्ट टू कंप्लीट द मर्ज पे क्लिक कीजिए। इसके बाद अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा, प्रिंट पे क्लिक करेंगे वो कह रहा है किसको प्रिंट करना है, वन से लेके ऑल को, क्या सबको प्रिंट करना है, आपने बोला हाँ जी सबको प्रिंट करना है, अगर वन से लेके थ्री तक को प्रिंट करना है तो वन से लेके थ्री तक को प्रिंट कर दीजिए, सिर्फ इस वाले को करना है तो फिर करंट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिए। तो जिसको प्रिंट करना है आप उस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये आपके पास जो वो प्रिंट के लिए ओपन हो जाएगा, जो प्रिंटर आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई प्रिंटर मौजूद नहीं है इसीलिए मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद आप ओके दबाएंगे, जैसे ही आप ओके दबाएंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट यानी सारे सर्टिफिकेट क्या हो जाएंगे, आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना एक ही सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर कर, एक बार आप अपना डाटा क्रिएट कर कर, और जाहिर सी बात है हर ऑर्गेनाइजेशन ये डाटा तो क्रिएट करती ही होगी, तो ये डाटा तो आपका साथ साथ क्रिएट हो ही रहा होता है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, किसके जरिए, मेल मर्जिंग के जरिए। तो यहाँ पर मेल मर्जिंग से आप एक ही काम करते हैं, यानी एक ही बार अपना डाटा बनाते हैं, उसके बाद उसके अंदर ऑटोमेटिकली तमाम डाटा क्या होता रहता है, फिट होता रहता है। तो आज मैंने आपको दो बातें समझाई हैं फिलहाल, क्या बातें बताई कि सबसे पहली बात आपको मैंने क्या बताई, मेल मर्ज बताई, और दूसरी चीज आज मैंने आपको डिजाइन के अंदर एक और चीज बताई, पेज बॉर्डर। तो आज यहां पे मैं ये भी लिख देता हूं, मेल मर्जिंग के साथ आज हम लोगों ने डिस्कस किया पेज बॉर्डर, दो चीजें हो गई। अच्छा, तीसरी चीज क्या है हमारे पास, आखिरी चीज हमारे पास रह जाती है, उसको भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं वो क्या चीज रह गई थी, कहां गया भाई, भूल जाता हूं ना मैं, तुम्हें हाँ रिव्यू में, रिव्यू में आएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर का काम क्या है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा है और आप चेक करना चाहते हैं कि भाई मैंने जो टेक्स्ट वगैरह लिखा है क्या वो उसमें जो कुछ भी लिखा है क्या वो सही है या गलत है, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर यूज़ करते हैं। तो आज हम आखिरी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर, और इसके लिए शॉर्ट की है F7। ठीक है, मैं सर्टिफिकेट को मिनिमाइज कर देता हूँ, मैं ओपन करता हूँ अपना दादा के ज़माने का डॉक्यूमेंट बैंकिंग के नाम से, ये मैंने इस डॉक्यूमेंट को ओपन किया, इसका व्यू थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, 100% पर लेकर आया था। अच्छा देखिए, इसके अंदर मे बी पॉसिबल कहीं ना कहीं एरर मौजूद होंगे, तो आप जाते हैं किस पर, रिव्यू पर, रिव्यू पर जाने पर स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करते हैं, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, साथ साथ देखिए नीचे शॉर्ट की शो कर रहा है क्या, इसकी F7, तो आप F7 भी दबा सकते हैं, मैं दबा रहा हूँ इस वक्त F7,
जैसे ही आप F7 दबाएंगे, यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई देखो ये जो एनी वन है ये आपने गलत लिखा है, एनी वन ऐसे लिखा होना चाहिए। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप बोले नहीं मैंने जो लिखा वो सही है, तो आप क्या कर देंगे, इसे इग्नोर कर देंगे, या अगर आप कहते हैं नहीं यार वो जो सजेस्ट कर रहा है वो सही सजेस्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे। जैसे ही आप चेंज पे क्लिक करेंगे, ये वाला वर्ड इस वाले वर्ड से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं चेंज करने जा रहा हूँ, चेंज हो गया, देखिए चेंज हो गया। फिर कह रहा है यहाँ पर, अब दूसरा जहाँ दूसरा एरर है वो आपको बता रहा है, कह रहा है यहाँ पर एक एरर है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि चेंज करो इसको, अगर आपको लगता है चेंज करना है तो आप इससे क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, चेंज कर दिया। और क्या कह रहा है, यहाँ पर भी एनी वन गलत है, चेंज कर दो। इसके बाद कह रहा है लॉन्ग टर्म, आपने लॉन्ग टर्म ऐसे लिखा है, वो कह रहा है भाई लॉन्ग टर्म ऐसे होना चाहिए डैश के साथ, मैंने बोला नहीं भाई हमारा लॉन्ग टर्म ऐसे ही होता है हम ऐसे ही लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसे इग्नोर कर देंगे, इग्नोर वंस पे क्लिक किया। वो कह रहा है शॉर्ट टर्म भी ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, मैंने बोला नहीं भाई हमारा ऐसे ही होता है, तो आप क्या कर देंगे, इसे इग्नोर कर देंगे, इग्नोर कर दिया। फिर एनी वन, मैंने बोला हाँ एनी वन आप सही कह रहे हैं, एनी वन की बात हम आपकी मान लेते हैं, इसे क्या कर देते, चेंज कर देते। यहाँ पर आते हैं, फिर कह रहे हैं एनी वन में मिस्टेक है, चेंज कर देते हैं। फिर और क्या, फिर एनी वन, फिर चेंज कर दिया। और क्या है भाई, 5 C's, कह रहा है भाई ऐसी ऐसा कोई लफ्ज ही नहीं है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो वो कह रहा है कि भाई या तो एसेज लिखें, यानी इससे मिलते जुलते लफ्ज़ जो उसकी डिक्शनरी में सेफ थे। मैंने बोला नहीं भाई इनमें से कोई भी लफ्ज़ मुझे मैच नहीं कर रहा, मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लफ्ज़ लिखा है। तो देखिए आपके पास वो क्या ऑप्शन दे रहा है, या तो इसको एक बार इग्नोर कर दें, वंस यानी एक बार जो आ रहा है इसको एक बार इग्नोर कर दें, या इग्नोर ऑल। इग्नोर ऑल का मतलब ये कि 5 C's इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट में जितनी बार लिखा हुआ आएगा वो उन सबको क्या कर देगा, व्यक्ति तौर पर इग्नोर कर देगा। या आप कहते हैं कि भाई अगर मैं दोबारा ओपन करूंगा फिर दोबारा ही एरर देगा, बिल्कुल देगा जाहिर सी बात है। तो आप क्या कीजिए, इसको अपनी डिक्शनरी में क्या करवा दीजिए, ऐड करवा दीजिए। जैसे आप अपना नाम लिखते हैं, अब आप अपना नाम अगर लिखते हैं, आप उसे अगर लिखेंगे तो वो आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा, क्योंकि अगर आपका नेम कॉमन नेम नहीं होगा, जैसे कि अगर आपका नेम मोहम्मद नहीं है, हुसैन नहीं है, तो वो आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा, एरर देगा। आप उसे एक बार क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, दूसरी बार क्या कर देंगे, इग्नोर ऑल कर देंगे। तो वक्ती तौर पर जब तक आप उस डॉक्यूमेंट को क्लोज नहीं करते उस वक्त तक तो एरर नहीं देगा, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के बाद आप 3 दिन बाद जब नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें दोबारा से वही वर्ड लिखेंगे, वो आपको फिर एरर दे देगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है जैसे मेरा नाम है समीर हुसैन, समीर में वो मुझे बार बार एरर देता था, तो मैंने समीर को उसकी डिक्शनरी में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आप 5 C's पर आने के बाद अगर इसे ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड का बटन दबा देंगे, तो आप 5 C's उसकी डिक्शनरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, फिर वो आपको कभी भी एरर नहीं देगा। ठीक है जी, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, नहीं जी मेरा ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, चेंज भी नहीं करना, इग्नोर कर दीजिए इसे, इग्नोर वंस। आगे आते हैं, कह रहा है अनफेवरेबल। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, अनफेवरेबल की स्पेलिंग क्या लिखी हुई है, UNFAVOUR, फेवरेबल। मैं आपको दूसरे दूसरे टैब पे खोल के दिखाता हूँ, UNFAVOURABLE, अनफेवरेबल। और एक स्पेलिंग होती है UNFAVOURABLE, अनफेवरेबल। ये दो स्पेलिंग है, डिफरेंस किस चीज का है, वी ओ यू, वी के बाद ओ के बाद क्या है, यू है, यहाँ पर वी के बाद क्या है, ओ। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और स्पेलिंग यहाँ पर लिखता हूँ, COLOUR, ये कलर की स्पेलिंग है, और COLOR, ये भी कलर की स्पेलिंग है। ये जो COLOUR यानी ओ के बाद जो यूज करता है, ये कौन यूज करता है, ये यूज करते हैं ब्रिटिश, BRITISH, और ओ के बाद जो यू यूज नहीं करते वो कौन यूज नहीं करते, वो अमेरिकन यानी के USA वाले यूज नहीं करते। अच्छा, आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो डिक्शनरी है वो इंग्लिश डिक्शनरी, और इंग्लिश भी कौन सी है, US की डिक्शनरी है, यानी वो अमेरिकन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो अमेरिकन सिस्टम में कलर की स्पेलिंग क्या है, COLOR, अनफेवरेबल की स्पेलिंग क्या है, UNFAVOURABLE, इसके बाद यू नहीं आना। तो इसीलिए वो यहाँ पर हमें एरर दे रहा है, कह रहा है कि आपने यहाँ पे यू लगा दिया। अब हमें पता है कि भाई ये स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है किसके मुताबिक, ब्रिटिश डिक्शनरी के मुताबिक। तो या तो आप इसे ऐड कर दीजिए, या इसे क्या कर दीजिए, आप इग्नोर कर दीजिए, जो आपका दिल करे। मैं फिलहाल इसे इग्नोर कर देता हूँ। इसी तरीके से फेवरेबल में भी ये ओ के बाद यू आ गया, ओ के बाद यू कौन लगाता है, ब्रिटिश लगाते हैं, और अमेरिकन ओ के बाद यू नहीं लगाते। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ कि भाई सही है, हाँ एनी वन गलत है, इसे चेंज कर देता हूँ मैं। फिर वही अनफेवरेबल है, इसे इग्नोर ऑल कर देता हूँ, वो मुझे बताएगा ही नहीं। स्पेशलाइज्ड, अच्छा देखिए स्पेशलाइज्ड में मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एस, ब्रिटिश जो है वो लाइज्ड के लिए यूज़ करते हैं, साइज्ड याइज्ड, यानी कि जेड की साउंड यहाँ पर आ रही है वहाँ पर जो है वो एस का वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि अमेरिकन जो है यहाँ पर जो है वो जेड का वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, ब्रिटिश के मुताबिक मेरा वर्ड बिल्कुल करेक्ट है, मुझे इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, इसे कर दो इग्नोर ऑल, यानी जहाँ भी ये वाली स्पेशलाइज की स्पेलिंग आए उसे क्या कर देना आप, इग्नोर कर देना, इग्नोर ऑल कर दिया। इसके बाद फिर डिसऑनर, देखिए एन
ओ यू आर, ओ के बाद क्या आ रहा है, फिर यू आर है, और ये कौन सी टर्म है, ये अमेरिकन टर्म नहीं है, ये ब्रिटिश टर्म है। बेटे अमेरिकन क्या कह रहे हैं, ओ के बाद यू नहीं आना चाहिए। मैंने बोला भाई मेरी स्पेलिंग सही है, इग्नोर ऑल कर दो इसको। इसके बाद कह रहे हैं सेवन पार्ट, वो कह रहे हैं सेवन पार्ट इस तरह से लिखा होना चाहिए, या तो चेंज कर दें या इग्नोर कर दें। मैं कहता हूँ इग्नोर कर दो भाई, मेरा सही लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है भाई नंबर इस तरह से नहीं होना चाहिए, नंबर में जो आई है वो कैपिटल होना चाहिए। मैंने कहा इग्नोर ऑल कर दो, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या एरर है इसमें, सिक्योरिटी, वो कह रहा है सिक्योरिटी होना चाहिए, सिक्योरिटीज का वर्ड नहीं होना चाहिए, क्यों आप बैंक, ठीक है, सिक्योरिटी का वर्ड होना चाहिए। मैंने बोला नहीं भाई मेरे हिसाब से ये सही है, इसको रहने दो, इसको सेवन पार्ट इग्नोर कर दो। फेवरेबल सही है भाई, इग्नोर ऑल कर दो। और क्या है भाई, मुदारबा, मुदारबा जो है वो इनकी डिक्शनरी का कोई लफ्ज़ नहीं, वो कह रहा है मुदारबा की स्पेलिंग ये होनी चाहिए। अगर आपको लगता है वाकई मुदारबा की ये स्पेलिंग होनी चाहिए तो आप इसको चेंज कर दीजिए। और कहते हैं आप कहते हैं कि नहीं, ये अब देखें मुदारबा कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं। तो मैं कहता हूँ हाँ आप सही कह रहे हैं, तो हम आपके मुताबिक इसको चेंज कर देते हैं। तो चेंज कर दिया मैंने, चेंज हो गया स्पेलिंग। कह रहे हैं जनरली के बाद आपको कोरमा लगाना चाहिए, कॉमा लगाना चाहिए, आपने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। मैं कह रहा हूँ हाँ बिल्कुल ग्रामेटिकली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, तो आपने इसे चेंज कर दिया। और क्या कह रहे हैं भाई, अब कह रहे हैं फिर सेवन पार्ट, मैं कह रहा हूँ वैसे इग्नोर कर दो, जल्दी जल्दी आ जाते हैं भाई। लॉन्ग टर्म इग्नोर कर दो जल्दी से इसको। एनदर कह रहे हैं, एनदर की स्पेलिंग जो यहाँ पर अदर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एनदर होना चाहिए। मैंने बोला नहीं भाई मेरी स्पेलिंग सही है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। अच्छा मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाता हूँ जरा। चलो भाई लेबर की स्पेलिंग छोड़ दें अभी, अभी हम सबको इग्नोर कर दें। आपको मेरे हिसाब से जो है वो ये समझ में आ गया होगा, तो इसको इस जल्दी जल्दी से हम काम की बात पर आ जाते हैं। कोई नया एरर आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो जल्दी से आते हैं, सी एन आई सी भी सही है हमारा, अभी तक हम 14 पेज पर ही पहुंचे। देखिए यहाँ पर आप बता रहे हैं आप कौन से पेज पर आ गए, पेज नंबर 15 पर आ गए अब आप। चलो भाई करेक्टरिस्टिक्स इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर ऑल कर दो। एम सी बी सही बैंक लिखा हुआ है बिल्कुल, इसको भी इग्नोर कर दो, शॉर्ट टर्म को भी इग्नोर कर दो। अच्छा मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उसकी उसके लिए मुझे पूरा डॉक्यूमेंट आपको जो है करके दिखाना पड़ रहा है। अच्छा IDBP, इसके लिए वो कह रहा है नो सजेशन। भाई हमारे पास इसके लिए पता नहीं आपने कौन सी जबान में कहाँ से देख कर ये लिखा है, हम इसके लिए आपको कोई सजेशन नहीं दे सकते। तो कोई सजेशन नहीं दे रहे, बस बता दिया कि भाई ये पता नहीं कोई अजीब वर्ड आपने लिख दिया है, हमारे पास ही कोई सजेशन नहीं। मैंने बोला ठीक है भाई आप इग्नोर कर दीजिए, इसको इग्नोर कर दिया। सेवन पार्ट को इग्नोर कर दो, एनी वन को चेंज कर दो, एनी वन को चेंज कर दो, फिर एनी वन को चेंज, फिर एनी वन को चेंज, और फिर लॉन्ग टर्म को इग्नोर कर दो। पेज नंबर 18 तक पहुंच गए हम, सेंटर की स्पेलिंग को इग्नोर कर दो, कमर्शियल बैंक को इग्नोर कर दो, सेवन पार्ट को इग्नोर कर दो, डिसऑनरिंग की स्पेलिंग सही है बिल्कुल हमारे मुताबिक, इसको इग्नोर ऑल कर दो, और इसको भी इग्नोर कर दो, साइन बिल्कुल सही है, सेवन पार्ट को इग्नोर कर दो, एनी वन को चेंज कर दो, सही है ये, इसको छोड़ दो, इसको भी इग्नोर कर दो। मैंने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर दिया गलती से, बस ये लास्ट पेज है। ये देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, पूरे डॉक्यूमेंट का आपका स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक क्या हो गई है चेक हो गई है। अब आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर नहीं है, नो प्रूफिंग एरर्स, जो एरर थे आपने उसे क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। वर्ड काउंट अगर आपको करना है, वर्ड काउंट पे क्लिक कीजिए, वो यहाँ पर बता रहा है पेजेस कितने हैं, 22 पेजेस। वर्ड्स कितने हैं, टोटल वर्ड्स हैं 8635। कैरेक्टर्स नो स्पेसेस, अगर आप अपने कैरेक्टर्स को काउंट करना चाहते हैं स्पेसेस को छोड़कर, तो कितने कैरेक्टर्स, कैरेक्टर मतलब ई एन एल ये तीन हो गए, तो इस तरह से 41,177 है। और अगर स्पेसेस को भी काउंट करें तो कितने बन जाएंगे, ये 51,281। पैराग्राफ कितने हैं, 1,028, और लाइन्स कितनी है, 1,398 लाइन्स है। तो ये आपको जो है वो आपका पूरा का पूरा क्या शो कर रहा है, बायोडाटा शो कर रहा है कि आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अच्छा इसके बाद एक यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पर लिखा होता है, इसको आप दबाएंगे शिफ्ट 7 जो इसकी शॉर्ट की है। अभी हम स्पेलिंग एंड ग्रामर पे थे, एक और चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, TheSaurus, इसकी शॉर्ट की क्या है, शिफ्ट प्लस F7, ठीक है। यहाँ पर आते हैं शिफ्ट प्लस F7 का काम क्या है, जरा इसको समझेगा। ये बेसिकली यूज करते हैं हम सिनोनियम्स, एंटोनियम और सिनोनियम के लिए, कि अगर आप कोई वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं और उससे मिलता जुलता वर्ड अगर आपको ये देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बिल्कुल स्टार्ट पर आता हूँ, और मैं स्टार्ट पे आने के बाद मैं लिखता हूँ कि भाई डिस्क्राइब, डिस्क्राइब से मिलता जुलता वर्ड मुझे बता दो, इसको मैंने सेलेक्ट किया। वो कह रहा है भाई डिस्क्राइब से मिलते जुलते वर्ड, यानी डिस्क्राइब के मायने वाले लफ्ज़ क्या है, वो कह रहा है डिफाइन, डेजिग्नेट,
प्रोनाउंस, कॉल, दैम, स्टाइल, एक्सप्लेन, ये सब वर्ड किसको एक्सप्लेन यानी इलस्ट्रेट, एक्सप्रेस, इन सब के मायने क्या है? वही मायने हैं जो डिस्क्राइब के मायने हैं. यानी इस मायने के और कौन कौन से अल्फाज हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर जो है वो इसकी लिस्ट बनाकर दे देता है. तो इस पर्पज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली मैं बताऊँ इसका पर्पज़ कहाँ इस्तेमाल होता है. ये जो जो साइंस जो इंटर के और बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी बात समझ में नहीं आएगी. जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं जब वो कोई रिसर्च पेपर वगैरह बनाते हैं तो वहां पर उनको जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, यानी कि उनको कोई जो है वो थीसिस वगैरह लिखने होते हैं. तो उनको जो प्रोजेक्ट दिया जाता है वो कहते हैं कि भाई आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो कहीं इंटरनेट से कॉपी नहीं होना चाहिए. अब जब आप इंटरनेट से कुछ कॉपी करके, अब जाहिर सी बात है कॉपी तो करना पड़ेगा, पाकिस्तानी है, इसके बगैर काम तो चलता नहीं है. तो आपने इंटरनेट से जब कॉपी किया तो इंटरनेट का पूरा डाटा यहाँ पर आके आपने कॉपी तो कर दिया. अब उसके वर्ड्स को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. जैसे आपने यहाँ पर डिस्क्राइब लिखा, आपने वो डिस्क्राइब की जगह पर, मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से आने के बाद डिस्क्राइब की जगह पर मैं डिफाइन लिख देता हूँ, तो इंटरनेट का वर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो इस पर्पज़ के लिए या किसी और पर्पज के लिए ये तो खैर इसका चोर रास्ता है. आप अपनी मर्जी के मुताबिक, आप चाहें तो जैसे आपको लगता है कि भाई ये वर्ड बहुत मुश्किल वर्ड हो गया, एवोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं भाई एवोल्यूशन का वर्ड बहुत मुश्किल वर्ड हो गया, स्टूडेंट्स को ये वर्ड समझ में नहीं आएगा, मैं इसकी जगह पे कोई आसान वर्ड यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाइए, वो आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पे ग्रोथ यूज कर लो, ग्रोथ भी आसान है, प्रोग्रेस यूज कर लो, प्रोग्रेस आसान लफ्ज है, ये यूज कर लो. तो आप इसकी जगह पर कोई और इसी के मायने वाले लफ्ज क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आज मैंने जितने भी ऑप्शन थे तकरीबन आपको जितने यूज होने वाले थे, मैं ये नहीं कह रहा मैंने आपको सारे करवा दिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो आपके ऑफिसेज वगैरह में सबसे ज्यादा यूज होते हैं और जो मेरी दस्तरस में थे, यानी कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना होने की वजह से जो मैं नहीं करवा सका, उसके लिए मैं माजा चाहता हूँ. अच्छा, यहाँ पर एक और टूल है रेफरेंसेस का, ये बेसिकली यूज करते हैं जब हम रिसर्च पेपर वगैरह बनाते हैं, और मेरे पास मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की जो है वो बीकॉम तक की है, तो उनको रिसर्च पेपर नहीं मालूम. तो अगर मैं आपको ये पढ़ा भी दूँ तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये इसीलिए मैं आप लोगों को अभी नहीं पढ़ा सकता. हाँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में आप लोगों को जरूर बताता रहूंगा जब आप लोग जो है वो थोड़े से मेच्योर हो जाएंगे. तो आज का लेक्चर हम अपना यहाँ पर एंड करते हैं, साथ साथ अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आज हम अपना एंड करने जा रहे हैं. इसके अलावा जो चीज़ें इसमें रह जाएंगी वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको, जैसे आपका सैटरडे का डे जो है वो फारिग होता है उस दिन मैं आपको कोई लेक्चर प्रोवाइड नहीं करता, तो मे बी पॉसिबल कि अगर कोई चीज़ इसमें मुझे बाद में याद आती है तो मैं आपको सैटरडे को ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा ख़त्म हो जाता है, मुबारक हो. इस वर्ड में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा. इनमें जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, जो टूल्स मैंने आपको बताया, मैंने आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताया. अब किस टूल को कहां पर किस अंदाज में किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपकी इंटेलिजेंस के मुताबिक डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, मैं एक लेक्चर और बनाऊंगा अभी इसका, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कोई अगर हमें कोई प्रोजेक्ट कोई टास्क अगर मिलता है कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे सीवी बना कर दो या मुझे जो है वो किसी कोचिंग सेंटर का फॉर्म बना कर दो, तो वो हम किस तरीके से बना सकते हैं. अभी हमने टूल्स को डिस्कस किया सिर्फ, अब हम ये कहते हैं, अब हमसे ये कहा जाएगा भाई ये काम कर कर दे दो. अब हमें टूल बताने के लिए नहीं कहा गया बल्कि हमें कहा जाता है कि ये काम कर कर दो. तो उस काम को करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में. और वो कोई लेक्चर नहीं है, वो बस आप लोगों के ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है कि किस तरीके से जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको यूज करेंगे हम इंशाल्लाह. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इतना तो समझ में आ गया होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर स्टूडेंट हैं तो सजेशन यही है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बनाइए. जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो तो जाहिर सी बात है इस पर काम कर ही रहे होंगे. जो टीचर्स हैं अगर वो अपने नोट्स कहीं बाहर से बनवा रहे थे तो उनको सजेस्ट करूंगा कि वो अपने नोट्स खुद बनाने की कोशिश करें, उसकी फॉर्मेटिंग हर चीज़ अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश कीजिए. कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारे अब अपने अगले लेक्चर में अगले सॉफ्टवेयर के साथ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के साथ. तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.